हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो आइए देख लेते हैं आज आपकी जनरल मैसेजेस क्या है, आज का दिन कैसा बीत सकता है, एंड ऑल्सो लास्ट में देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड चैनल्ड मैसेजेस जो वो आपको कहना चाहेंगे या जो यूनिवर्स आपको कहना चाहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी दैट आज का दिन कैसा जा सकता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, वी हैव द थ्री ऑफ कप्स एनर्जी, सिक्स ऑफ कप्स। वाओ, आई सी दैट आज का दिन जो है वो इमोशनल हीलिंग का दिन है आपके लिए। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, इमोशनली अगर आप किसी सिचुएशन से डील कर रहे हो जो आपके फेवर में नहीं था या जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, जैसे कि ब्रेकअप, जैसे कि सेपरेशन, जैसे कि मे बी किसी के साथ आपका कोई झगड़ा, प्रॉब्लम, इशू, कॉन्फ्लिक्ट आपके फैमिली में, या फिर दिस कैन ऑल्सो बी कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे बिकॉज आपके लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या किसी टाइप का ब्लॉकेज आप फेस कर रहे हो। आई सी आज का जो दिन है वो बेसिकली इमोशनल हीलिंग का दिन है। आई ऑल्सो सी दैट यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको ये कहना चाहेंगे विद दैट बॉटम डेक एनर्जी दैट कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो आप एक टाइम पे किया करते थे जो बहुत पॉजिटिव था आपके लिए, ठीक है। सो मे बी ये योगा एक्सरसाइजेज या फिर ये मे बी सोशलाइजिंग हो सकता है, या सो यूनिवर्स इज काइंड ऑफ सेइंग दैट जो भी पॉजिटिव हैबिट या पॉजिटिव एनर्जी जो आप में पहले हुआ करता था, इट इज़ टाइम कि आप उस पॉजिटिव एनर्जी को फिर से अपने अंदर फील करें। या फिर पहले अगर आप बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, इमोशनली बैलेंस्ड हुआ करते थे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को सेम उस जगह पर लेके जाए, बिकॉज राइट नाउ जो भी हुआ था ये ज़रूरी है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अगर आप लो फील कर रहे हो, दैट इज़ बिकॉज यू नो यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको दिखाना चाहते हैं दैट आपके अंदर वो पावर है दैट आप अपनी सिचुएशन को चेंज करो। आई ऑल्सो सी दैट आज या आसपास, लाइक आज के दिन के आसपास कोई एक डेस्टिन्ड इवेंट होने वाला है जो आपके डेस्टिनी में है ऐसा कुछ। एंड आई ऑल्सो सी दिस कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ अ टेंशन, बट आखिर में इसका जो अंजाम है वो पॉजिटिव है। सो कोई भी चीज़ अगर आपके लाइफ में स्टावर मोमेंट क्रिएट कर रहा है इस वक्त, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन लेके आ रहा है आपके लाइफ में, ये रिलेशनशिप, ये जॉब, या फिर आपका जो करंट मेंटल हेल्थ सिचुएशन है, या आपका फिजिकल हेल्थ है, या पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज है, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन है, इससे सब कुछ खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बट एक्चुअली में यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट ये थोड़ा सा डेस्टिनी का खेल है आपके साथ, एंड ये आपके डेस्टिनी में था, ये आपके लाइफ पाथ में था दैट ये सिचुएशन आप लाइफ में फेस करेंगे, बिकॉज ये आपके लिए लेसन भी है एंड ये काइंड ऑफ कुछ लोगों के लिए आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। सो डोंट वरी, बिकॉज आखिर में जो होगा वो आपके भले के लिए होगा, आखिर में जो होगा वो चीज़ों को फिर से पॉजिटिव एक सिचुएशन में लेके आएगा, एक बैलेंस सिचुएशन में लेके आएगा। सो राइट नाउ यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो दैट ये तो है डेस्टिनी का इवेंट, बट अभी आपको जो करना है इज दैट आपका मेंटल हेल्थ, आपका लाइक फिजिकल हेल्थ या ओवरऑल आप चीज़ों को जैसे देख रहे हो, आपका नज़रिया बदलना है, वो उस बैलेंस्ड लेवल पे लेके जाना है जो पहले हुआ करता था, मे बी बचपन में, या फिर मे बी कुछ साल पहले, या मे बी कुछ महीने या दिन पहले भी हो सकता है। सो राइट नाउ आई सी अ लॉट ऑफ यू, आप इमोशनली एक स्ट्रगल के थ्रू जा रहे हो, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मूड ऑफ रहता है दिन भर, या आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग यूनिवर्स इज पिकिंग अप हियर ऑन। आई ऑल्सो सी यहाँ पे कुछ लोग आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं या कुछ पुराने साइकिल्स आपके लाइफ में रिपीट हो रहे हैं। दिस कैन ऑल्सो बी अ टॉक्सिक साइकिल या दिस कैन बी अ पॉजिटिव साइकिल। जैसे कि कुछ पुराने लोग, ये एक्स हो सकते हैं, पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, बेसिकली द मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इफेक्ट। कुछ लोग वापस से आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वापस से आपके लाइफ में आ रहे हैं, वापस से आपको अप्रोच कर रहे हैं, मे बी सोशल मीडिया के थ्रू या जैसे भी हो, ये लोग आपके बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, फिर से काइंड ऑफ
चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं. अब आप इन्हें एंट्री दोगे या नहीं वो आपके ऊपर है. बट आई ऑल्सो सी ये कुछ पुराने साइकिल्स हो सकते हैं जो रिपीट हो रहे हैं आपके लाइफ में. जैसे कि बचपन में मे बी अगर आप एक ट्रॉमेटिक पास्ट से गुजरे हो, मे बी अगर फैमिली में इश्यूज हुआ करता था, मे बी अगर फाइनेंशियल इश्यूज हुआ करता था, मे बी फ्रेंडशिप्स टॉक्सिक हुआ करते थे, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम था. सो जो भी ये प्रॉब्लम था, एक पैटर्न अगर आप फॉलो कर रहे थे पास्ट में, ये पैटर्न वापस आ सकता है. या आप फील कर सकते हो दैट सेम थिंग्स फिर से हो रहे हैं. थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, या सो सेम थिंग्स फिर से हो रहे हैं, सेम एनर्जी फिर से आ रहा है लाइफ में. देर इज़ अ लॉट ऑफ पेन, हार्ट ब्रेक, ट्रॉमा जिसके थ्रू आप इस वक्त जा रहे हो. एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट जो भी हो जाए, अपने एनर्जी को लो मत करो, अपने वाइब्रेशन को लो मत करो, बिकॉज ये जो भी हो रहा है ये कुछ पॉजिटिव में एंड होगा. सो वॉट एवर दिस इज सम काइंड ऑफ अ हीलिंग. सी बॉटम उसके नीचे था द एम्परर एनर्जी. सो जो भी इस वक्त हो रहा है ये एक आपके हीलिंग का एक पार्ट है. सो इट विल एंड इन समथिंग ताकि आपको लाइफ में पावर मिले, आप काइंड ऑफ इस एम्परर एनर्जी में टर्न आउट कर सको. सो अगर आप इस वक्त जैसे भी टाइप के पर्सन हो, आई सी इस जर्नी के बाद, इस हीलिंग के बाद, इस लेसन के बाद, आप काइंड ऑफ जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा या आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो आपके पूरे रियलिटी को चेंज कर सकता है, आपके पूरे लाइफ को चेंज कर सकता है. एंड आपके लाइफ में जो नेक्स्ट इवेंट्स है, आपके लाइफ में जो नेक्स्ट चैप्टर्स है आने वाले, उसमें काम आएगा आपका ये एम्परर एनर्जी. सो जिस वजह से यूनिवर्स काइंड ऑफ उस नया चैप्टर शुरू करने से पहले आपको पुराने चैप्टर्स गो थ्रू करवा रहे हैं, जैसे हम लोग एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करते हैं, एकदम वैसे. ठीक है, पुराने चैप्टर्स बस रिविजन्स हो रहा है, पुराने पैटर्न्स वापस आ रहे, पुराने चीज़ें फिर से देखने को मिल रहा है, पुराने फीलिंग्स फिर से आप फील कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो, पुराने दिन में वापस जाना चाह रहे हो, पुराने फ्रेंडशिप्स को याद कर रहे हो, पुराने लवर को याद कर रहे हो. सो ऑल दिस एनर्जी इज़ हैपनिंग बिकॉज ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट है. एंड इसके आगे जो होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है. इवन इफ आपको लगे कि इसमें स्ट्रेस है, टेंशन है, ट्रॉमा है, कैसे ये ब्यूटीफुल हो सकता है, बट ये जो भी है ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है. एंड आपने आपका सोल जो है उसी ने इसे सिलेक्ट किया था इस लाइफ टाइम में गो थ्रू करने के लिए. सो डोंट वरी, आपके साथ जो हो रहा है वो बुरा नहीं हो रहा है, आपके साथ जो हो रहा है वो आपको ट्रांसफॉर्म होने में मदद कर रहा है ताकि आपके लाइफ के जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, जो इससे भी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो आप बड़े ही आराम से गो थ्रू करें, वो आप सक्सेसफुली गो थ्रू करें. ओके, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी. सो अब मैं मूव ऑन करना चाहूँगी मेरे नेक्स्ट सेगमेंट पे, दैट इज़ योर पर्सन्स करंट एनर्जी फीलिंग्स. एंड ये आज आपसे क्या कहना चाहेंगे, व्हाट आर द जनरल चैनल्ड मैसेजेस जो इस पर्सन से आज आप रिसीव कर सकते हो. अगर आप इतने तक के लिए थे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अगर आप नए हो एंड अच्छा लगा हो रीडिंग तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड मुझे कमेंट्स में बताना. अगर आप बने रहना चाहते हो, थैंक यू सो वेरी मच. लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी दैट इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आज आपके लिए कलेक्टिव. What is this person's current energy here? Eight of Pentacles. Seven of Cups. आई फील दिस इज़ somebody इस वक्त कलेक्टिव. ओके, मैं शुरू करने से पहले बोल दूँ दैट ये एक जनरल रीडिंग है. ठीक है, सो जिन लोगों को रेजोनेट ना कर रहा हो, मे बी आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है, कल की रीडिंग आपके लिए हो सकती है. सो कोई भी मैसेज फोर्स मत करिएगा. ओके, सो इस पर्सन की करंट एनर्जी आज के लिए, आई फील इस पर्सन के साथ आप उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं है. ये जो भी कनेक्शन या रिलेशनशिप है, थोड़ा सा डिस्टेंस है. कुछ लोगों के लिए ये इवन लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है. आई सी ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है या ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, ज़्यादा कुछ शो नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कम है.
ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, या इस पर्सन को लग रहा है कि ये कनेक्शन एंड हो चुका है, या फिर इन्होंने उनका उनके पास जो चांस था आपको पाने के लिए वो ये पर्सन खो चुके हैं, जिस भी जो भी कारण से क्यों ना हो. सो दिस इज़ समबडी इस वक्त जो बहुत ज़्यादा लाइक एक डिप्रेसिव एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे. एंड डज नॉट मैटर कि ये सेपरेशन कितना पहले हुआ था या ये कॉन्फ्लिक्ट कितना पहले हुआ था, इस पर्सन को लगता है दैट आप एक अच्छे पर्सन हो, आप एक अच्छे इंसान हो जिन्हें इन्होंने खो दिया है, मे बी अपने गलतियों के वजह से, या मे बी सिचुएशन ऐसा रहा था लाइफ में जो इनके पास और कोई चारा नहीं था. फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन के घर से इन्हें फोर्स किया जा रहा है किसी और से शादी करने के लिए, या मे बी घर वाले इस कनेक्शन के अगेंस्ट है एंड ये पर्सन उस घर वालों की बात मान रही है जो इस कनेक्शन में सेपरेशन क्रिएट कर रहा है. लेट अस क्लैरिफाई दिस. आई सी इस पर्सन पे एक फोर्स है. ओके, सो ये घर वालों का फोर्स हो सकता है, अगर ये पर्सन मैरिड है तो उनके वाइफ या हस्बैंड का फोर्स हो सकता है, या इस पर्सन के पास कुछ ऑफर्स है. लाइक इन्हें दोनों में से किसी एक को चूज करना है आपको, या तो यस द टावर एनर्जी, आपको या तो अपनी फैमिली को, आपको या तो अपने हस्बैंड या वाइफ को, या आपको या थर्ड पार्टी, वॉट एवर आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज है, आई थिंक इस पर्सन के पास ऑप्शंस है एंड इन्हें किसी एक को चूज करना है जो इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन क्रिएट कर रहा है. ये बार बार अपने ऑप्शंस लाइक दोनों ऑप्शंस को देख रहे हैं एंड इन्हें लग रहा है कि ये कभी चूज नहीं कर पाएंगे. इनके लिए ये लाइक ये जो चॉइस है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 टफ चॉइस. एंड आई फील दैट ये कोई भी इस वक्त कोई भी चॉइस नहीं कर रहे, बिकॉज दिस इज समबडी या जो इस बारे में सोचना ही नहीं चाह रहे, जिनके पास कोई क्लैरिटी ही नहीं है. सो इस वक्त काइंड ऑफ आज का अगर आप एनर्जी देखने जाओ, ये पर्सन काइंड ऑफ चुपचाप है, ये पर्सन काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ है, ये पर्सन काइंड ऑफ कोई भी डिसीजन तक नहीं पहुंचना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लग रहा है ये बहुत ही टफ डिसीजन है एंड लाइक ये इन दोनों ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते इस वक्त. बट सम हाउ आई फील दैट कुछ और कुछ लोगों के लिए ये मे बी ऑप्शन अगर नहीं है तो ये उनके ऊपर कोई फोर्स है उनके लाइफ में जो काम कर रहा है. सो मे बी ये ऑलरेडी मैरिड है, सो ये अगर चाह भी रहे हैं आप तक पहुंचना, ये नहीं पहुंच पा रहे हैं. लेकिन के हाथ पैर बंधे हुए हैं. हो सकता है दैट उनकी फैमिली इस रिश्ते के अगेंस्ट है एंड वो लोग उन्हें फोर्स कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, किसी और को चूज़ करने के लिए, कहीं और सेटल होने के लिए, एंड ये कुछ कर नहीं पा रहे उस बारे में. सो काइंड ऑफ ये साइलेंट है. लाइक ये इनको बेसिकली इस वक्त पावरलेस फील हो रहा है. इनको लग रहा है इनका लाइफ इनके कंट्रोल में नहीं है, ये रिलेशनशिप इनके कंट्रोल में नहीं है एंड लाइक पावर उनके हाथ में नहीं है कि वो कुछ भी चेंज करे या वो कुछ भी एक्शन ले. ये पर्सन अभी भी आपके साथ काइंड ऑफ वर्क पुट ऑन करना चाहेंगे या फिर या काइंड ऑफ आप तक पहुंचना चाहेंगे. सो ये पर्सन यूनिवर्स से काइंड ऑफ जस्टिस मांग रहे हैं, ये पर्सन यूनिवर्स से काइंड ऑफ पावर या कॉन्फिडेंस मांग रहे हैं, रास्ता देखना चाह रहे हैं. बट इस पर्सन को लग रहा है कि लाइफ में ये भटक गए हैं, इनके पास कोई रास्ता नहीं है कि ये आप तक पहुंच पाए, या अगर इन्होंने आप तक अगर ये पहुंच भी गए आप तक तो इस कनेक्शन को वो कैसे बचाएंगे, ये आइडिया उनके पास नहीं है. सो ये पर्सन काइंड ऑफ चीज़ों को टाल रहे हैं, काइंड ऑफ स्टक है उस एनर्जी में, ये सोचे जा रहे हैं कि क्या हो सकता है बट किसी भी किनारे तक पहुंच नहीं पा रहे. सो दिस इज़ अ वेरी लाइक अ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन जो क्रिएट हुआ है आपके पर्सन के लिए. आज के दिन के लिए जो एनर्जी है, दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू वर्क ऑन योर कनेक्शन. ये पर्सन आपके कनेक्शन में वर्क पुट ऑन करना तो चाहते हैं बट उन्हें लग रहा है कि उनके पास ना ही वो कंट्रोल है, ना ही वो पावर है, ना ही वो रास्ता है कि वो कुछ भी चेंजेस ला पाए फिलहाल. सो आज के दिन ये इनकी एनर्जी स्टक है, ये काइंड ऑफ
वहीं पे अटके हुए हैं लाइफ में, क्लैरिटी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ऊपर से इनका जो सराउंडिंग है फैमिली इश्यूज़ या मैरिज व्हाटएवर, आई थिंक वहाँ पे भी इनको बहुत सारी चीज़ों के लिए फोर्स किया जा रहा है. सो बेसिकली एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन क्रिएट होके रखा है इनके लिए. सो आज कोई खास एक्शन या कुछ भी डिसीशन मुझे नहीं लग रहा है ये पर्सन लेंगे, बट व्हाटएवर द सिचुएशन दिस पर्सन इज़ जस्ट स्टक. दिस पर्सन इज़ जस्ट स्टक बिकॉज ये पर्सन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपके कनेक्शन के लिए आवाज़ उठाए या वो जस्टिस दे या वो कोई भी एक्शन ले आपके डायरेक्शन में. दैट इज़ द प्रॉब्लम. यू कैन डू दिस. डीप कॉन्टम्पलेशन डेफिनेटली. ट्रस्ट. केमिस्ट्री. Stability. Work on your connection. Yes, ये person जैसा कि मैंने कहा इस connection पे work put on करना चाहते हैं. Open your heart. So I feel आज का जो energy था यहाँ पे collective, yeah, bottom deck energy है, twin flame is not ready. So अगर ये आपके soulmate है, twin flame है, ये person ready नहीं है, ये person transformed नहीं है, इस person में अभी भी वो confidence नहीं है कि वो fight करे आपके लिए या इस connection के लिए. सो आई सी ये पर्सन इस कनेक्शन में वर्क तो डेफिनेटली पुट ऑन करना चाहते हैं. यानी इस पर्सन का इंटेंशन बुरा नहीं है. ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं. ये पर्सन ट्रस्ट रखना चाहते हैं इस कनेक्शन पे. एंड ये पर्सन आएंगे ज़रूर, बट राइट नाउ ये रेडी नहीं है. राइट नाउ ये पर्सन रेडी बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक्शन ले, ये कोई टाइप का मूवमेंट करे या फिर ये प्रोटेस्ट करे, ये जस्टिस लेके आए. This person is not ready. But आज का जो reading है यहाँ पे मुझे वो cheater player या वो सब feel नहीं हो रहा है. This is not a person जो cheat कर रहे, play कर रहे या जानबूझ के आपको hurt कर रहे हैं या जो narcissistic है या जो भाग रहे हैं, वैसा नहीं है. वैसा energy नहीं है. This is a very simple person जो अपने life में stuck हो गए हैं. Because इनके हालात ऐसे हैं कि ये प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे, ये आपके रिलेशनशिप के लिए फाइट नहीं कर पा रहे, इनको लग रहा है कंट्रोल नहीं है, मजबूरियां हैं लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है लाइफ में, आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है लाइफ में. बट आई सी दैट ये पर्सन हिम्मत नहीं हारे हैं. इस वक्त अगर वो रेडी फील नहीं भी कर रहे हैं, आई थिंक वो हिम्मत रखे हुए हैं कि कभी ना कभी तो वो एक्शन लेंगे. जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी वो स्टेबिलिटी या वो पावर्स अपने हाथों में ले सके, उतना जल्दी वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करेंगे. सो वो कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं, वो हार मान के पीछे नहीं हटना चाहते. बट आई थिंक इस पर्सन को थोड़ा सा और समय चाहिए. ये डरे हुए हैं, ये काइंड ऑफ स्टक है, इनके हाथ में वो पावर नहीं है इस वक्त. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कलेक्टिव एंड आई होप दिस हेल्प्स यू आउट. एंड ये आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो, सो थैंक यू सो मच. अगर अच्छा लगा हो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.